हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट प्रिपरेशन। माई सेल्फ अनु सिंह। और जो एग्ज़ाम अब होने वाले, रेलवे की बम्पर भर्ती आने वाली है, ठीक है। और इसमें एनटीपीसी के लिए भी, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए भी एग्ज़ाम कम से कम 30,000 सीट पर आने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट है आपकी पिछले साल में जो भी, मतलब लास्ट ईयर में जो भी पेपर हुए हैं, उसको आप ज़रूर से सॉल्व करें। तो इसमें मैं एनटीपीसी के पिछले साल यानी कि 2016 में एग्ज़ाम हुए थे और फर्स्ट ईयर का, इसका मैं पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है। तो जिन्हें भी एग्ज़ाम देना हो जरूर से देखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं और पैटर्न भी लगभग वही रहता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखें। और ये एग्ज़ाम देख सकते हैं, कब हुआ था ये? हुआ था आपके 30 अप्रैल 2016 में हुआ था, थर्ड बैच में। ओके, देख रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसको डिस्कस करने से पहले, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। और जितने भी एग्जाम होते हैं उसका एस्पेक्ट क्वेश्चन पेपर विद एनालिसिस विद आंसर आपको मिलेगा। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मिलेंगे। तो एक बार विजिट करिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। ओके, तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया था कि पेय जल आपूर्ति में क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति क्या लक्षण है। मतलब अगर पेयजल जो है, पीने वाला जो जल है, उसमें अगर कोलीफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म नहीं, कोलीफॉर्म की उपस्थिति है, तो इसका क्या मतलब है? कोलीफॉर्म का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मानव अपशिष्ट से यहाँ दूषण हुआ है, ठीक है। संदूषण हुआ किससे? मानव के अपशिष्ट से, मानव द्वारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका डी नंबर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सेकेंड नंबर इसमें है कि संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक की जांच किसके जरिए की जाती है। अगर संसद या राज्य विधानसभा में विधायी के लिए जांच की जानी, तो किसके द्वारा की जाएगी? न्यायिक समीक्षा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि उछाल यानी कि बाउंसी सिद्धांत आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें पढ़ा होगा कि आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान किस वैज्ञानिक को इसका श्रेय जाता है करने के लिए? बाउंसी सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो ये आपने पढ़ा होगा 9th-10th में आर्किमिडीज सिद्धांत के बारे में, ठीक है। तो ये दिया था आर्किमिडीज ने, ठीक है, याद रखिएगा। जो रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें साइंस की भी क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा होता है, साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चार में से तीन समान है, एक इसमें समान नहीं है, तो कौन सा है वो बताना है। रैट है, स्क्वायरल है, मंगूज है या मोल है? तो देखिए, मंगूज जो होगा इसमें इन तीनों से अलग है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कुल उपयोगिता, ठीक है, फिफ्थ नंबर, जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता क्या रहेगी? ओके, तो पहले देखिए, पहले जान लेते हैं कुल उपयोगिता होता क्या है। कुल उपयोगिता क्या होता है? जब विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग, जैसे सपोज मान लीजिए आपने चार तरह की आइसक्रीम खाई, ये दो तरह की आइसक्रीम है, मान लीजिए मैंने, ये है एक आइसक्रीम, ये दो आइसक्रीम, सभी अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। इसको मैंने खाया, इससे मुझे कितनी मिली, मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, या फिर मुझे इससे कितनी यूटिलिटी मिली? अगर मान लीजिए 40 मिली इससे, 30 मिली इससे 20 मिली, तो यानी कुल उपयोगिता कितनी हो गई? सबको ऐड कर देंगे तो ये क्या होगी? हमारी कुल उपयोगिता होगी, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू सिग्मा सीमांत यूटिलिटी, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, ये होता है। अब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? सीमांत उपयोगिता मतलब कि एक पर्टिकुलर से मुझे कितना मिल रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट से कितना इससे डिफरेंस हो रहा है, 10 हो जा रहा है, मार्जिनल हो गया 10। तो ये बताइए, जब ये कब अधिकतम होगी? जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? जीरो होगी, तभी तो ये कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि फोर्थ नंबर ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विच वॉज द फर्स्ट सेटेलाइट लॉन्च इन टू द स्पेस। विश्व में सबसे पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा गया था, सबसे पहला, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके आने वाले एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला वर्ल्ड में कौन छोड़ा गया था? स्पुतनिक, ठीक है। कब छोड़ा गया था? कभी कभी ये भी पूछ लेता है, 1957 में, ठीक है, 1957 में छोड़ा गया था। किसके द्वारा? यू एस एस
आर के द्वारा, ठीक है, यूएसएसआर के द्वारा। उस समय रूस का मतलब यूएसएसआर का विघटन नहीं हुआ था। रूस का विघटन कब हुआ था आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो ये 1957 में इसको छोड़ा गया था, पहला उपग्रह स्पुतनिक, ठीक है, स्पुतनिक फर्स्ट। और एक चीज़ और पूछ लिया जाता है कि जो पहले अंतरिक्ष में कुत्ते को ले गया गया था उस किसके द्वारा ले गया था, स्पुतनिक सेकेंड के द्वारा ले गया गया था, ठीक है। और ले गया गया था उसका, उस कुत्ते का, डॉग का क्या नाम था, ये भी पूछ लेता है, लाइका। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट एक चीज़ और याद रखिएगा, जो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, कई बार पूछा गया है, कौन था, यूरी गागरिन, ठीक है, यूरी गागरिन थे। और ये कहाँ के थे, यूएसएसआर यानी कि रूस के ही थे। और ये कब गए थे, 1961 में, किस किस के द्वारा, वोस्टक के द्वारा, ये भी पूछा जाता है, वोस्टक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट है मैथ से आ रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है, 7 नंबर। इसमें देखते हैं कि इसमें डिवाइड क्या बोला जा रहा है, इसमें इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है डिवाइड रुपीज़ 126 इन द रेशियो ऑफ 2:3:4:5। 126 रुपये है उसको आपको 2:3:4:5 के रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए 126 रुपीज़ है ना, इसको आपको किस में डिवाइड करना है, इस रेशियो में। तो चलिए कर लीजिए, पहले टोटल का करिए, कितना है, 5, 4, 9, 9, 10, 12, 12 तो 14, टोटल है 14, ठीक है। कितने हैं 126, ठीक है, पहले इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा 9 टाइम। अब देखिए ये 9 आया ना, अब इस 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 2 = 18, 18 सभी में है, 9 × 3 = 27, 27 सभी में नहीं, ये वाला कट गया, सभी में है, और 9 × 4 = 36, 36 देखिए बस ये बच रहा, तो ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, सी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि टोटल क्या बताना है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉन्वेक्स पेंटागन, ठीक है, यहाँ कॉन्वेक्स पेंटागन की बात हो रही है, एक होता कॉन्वेक्स, एक होता कॉनकेव। कॉन्वेक्स और पेंटागन का मतलब पंचभुज, ठीक है, पंचभुज आपको बताना है, कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए ये देखिए, ये है कॉन्वेक्स, ये सभी निकला हुआ है बाहर, उभरा हुआ है ना, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, ये कॉन्वेक्स हो गया। अगर यही ऐसे होता, सॉरी अगर मैं यहाँ बना दूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये अंदर की तरफ है ना, ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स, कॉनकेव, और ये कॉन्वेक्स, ठीक है, इस फिगर में आपको बताना है। तो देखिए एक मैं आपको काउंट करवाती हूँ, यहाँ से आप लीजिए ऐसे, देन ये, फिर ये, फिर ये, ओके, इस तरह से मिल रहा, ये एक पेंटागन मिला, एक यानी कि इस कॉर्नर से 1, 2, 4, यानी ऐसे इस टाइप के आपके 4 बन गए। अब नेक्स्ट मैं देखती हूँ नेक्स्ट पेंटागन के लिए, ओके, ठीक है, नेक्स्ट पेंटागन में देखिए, एक यहाँ से ये लाइन एंड देन ये लाइन, ओके, ये एक बना, इस पॉइंट से एक, इस पॉइंट से एक, इस पॉइंट से एक, प्लस 4 यहाँ बन गया। अब एक और मुझे देखना है, देखिए इसमें एक और बनेगा, उसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, ठीक है। चलिए अब एक और जो बन रहा है वो आप ध्यान से देखिए, ओके, यहाँ से जा रहा है, ओके, ये यहाँ से यहाँ तक एक हुआ ना, 1, 2, 1, 2, 3, ये 4 एंड देन ये 5, ठीक है, यानी यहाँ से बना एक, यहाँ से एक, यहाँ से यहाँ से, ये भी हो गया 4, तो 4 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला 12 नंबर, यानी कि सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि द लार्जेस्ट यूनियन टेरेटरी इन द कंट्री इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन इज कंसिडर दिल्ली एज ए नेशनल कैपिटल टेरेटरी एन सी टी एंड नॉट एज ए यूटीटी, यूटी, ठीक है। हम यहाँ इसकी दिल्ली को छोड़ के आपको बताना है किसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ये कौन सा हो जाएगा, पुदुचेरी। आपने मैंने इसके लिए बना चुका है जनगणना के ऊपर, आप उसमें जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड वुड यू फाउंड इन लेमन, लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लेमन में कौन सा पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। कई बार ये क्वेश्चन कितनी सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ओके, तो इसका हो जाएगा आपका साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विच कंट्री लिफ्ट, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 11th नंबर ना, तो ये आपके करंट अफेयर से, तो ये इसके ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, ओके, क्योंकि करंट अफेयर जो है आपके अब के जो होंगे वो पूछे जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी एंड डीसी आर अ फॉर्म ऑफ, एसी और डीसी किसका फॉर्म होता है, ये क्या इसमें क्या फ्लो करता है, फ्लो ऑफ चार्ज, इसमें चार्ज फ्लो करता है एसी एंड डीसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा अंडर द करेंट लॉ, ठीक है, कई बार मैंने डिस्कस किया है, ओके। मूल संविधान में जो पहले कितने सीट का प्रावधान था, 500 सीट का, ठीक है, अधिकतम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 552 हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में हमारे लोकसभा में 545 सीट अवेलेबल है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। और देखिए इसमें जो है 455 में 530 मेंबर हैं, 530 मेंबर राज्यसभा से आते हैं, 13 मेंबर जो है यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और 2 जो आते हैं आंगल भाषा से जो आते हैं, जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 530 है, देन 13 है और 2 है, ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है पौधे के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट, जो पौधे हैं जो मिट्टी से नाइट्रेट सोखते हैं उसमें किस में चेंज हो जाता है, ये तो ये जो है नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है, नाइट्रेट किस में परिवर्तित होता है, नाइट्रोजन में, ओके। और पौधों के मामले में ऊतक याद रखिए, दो तरह के ऊतक जो जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं, जाइलम जल को ले जाता है, फ्लोएम फूड को ले जाता है, ठीक है, तो ये कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, बाय हाउ मेनी मिनट इन द IST अहेड ऑफ द PKT, ठीक है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, IST जो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और PKT पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। अब ये बताइए IST GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है, अहेड है, 5.5 घंटे, ठीक है, और GMT से PKT जो है 5 घंटे अहेड है, यानी कितना डिफरेंस हुआ, 30 मिनट का, यानी कि आंसर हो गया 30 मिनट का डिफरेंस है IST और PKT में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 16 नंबर में पूछा जा रहा है, ये आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया, ओके, इसको आप डिवाइड करिए, देखिए क्या करना है इसमें, इसका क्या हुआ 50688 डिवाइडेड बाई 256, अब देखिए इसके डिवाइडेड बाई 9 है, यानी ये क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/9 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको डिवाइड करना है, इसको ये 16 का स्क्वायर है तो 16 बार ये कट जाएगा, ये भी आपका 16 से चला जाएगा, 16 से जाएगा 3, 1 एंड 6, 8 ये जाएगा, फिर ये 16 से काटेंगे तो ये 198 हो जाएगा, अब ये इसको काट दीजिए 2222 आ जाएगा इसका आंसर सी नंबर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि ये भी मैथ से है ही आपका, तो इसको भी आप इजीली कर लीजिए, ओके ओके। तो इसमें देखिए आपको पॉइंट से अगर प्रॉब्लम होगी तो पॉइंट को हटाने के लिए क्या करिए, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर ये बचेगा और नीचे ये बच जाएगा, क्योंकि दो ही के बाद यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ 3 के बाद था, इसलिए 10 बच गया। अब इसको आप काटेंगे 88 टाइम जाएगा, अब ये हो जाएगा 8.8, ओके, 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 8.8, ओके, बी वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, मारिच क्या है, ठीक है, मारिच क्या है, इस टाइम ये जो मारिच जो है ना उस टाइम न्यूज़ में था, इसलिए इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, नवंबर इसका जो है ये आंसर होगा, नवंबर में मतलब कि इसका जो भारतीय नौसेना को सौंपी गई टारपीडो रक्षा प्रणाली है मारिच, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये भी मैथ से है 19 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, ओके 19 नंबर में पूछा जा रहा है, देखिए गाइस इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे, ठीक है, और आगे जो आपके आने वाले उसमें भी 100 ही क्वेश्चन रहेंगे, ओके। मिस्टर रेनॉल्ड सोल्ड अ बस रुपीज कितने में बेच रहे हैं, 850 में विथ लॉस 15% एट द प्राइस शुड बी बस सोल्ड एट द गेट प्रॉफिट, देखिए पहले इसको 15% पे आप ये बेच रहे हैं लॉस में, यानी कि 85 की वैल्यू दी हुई है, 85% की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो 15% इनको प्रॉफिट चाहिए, तो 1% ये कट जाएगा ना, तो सीधे क्या बचेगा, यहाँ 10 बचेगा, अब कितना चाहिए, 100 पे 15 जोड़ दीजिए, 115 इनको चाहिए प्रॉफिट, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1150 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, 20 नंबर है ये आपका वेन आरेख से है, ठीक है, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माजा को, ठीक है, सर्कल किसको, फेंटा को, ओके,
और रेक्टेंगल जो किसको कर रहा है, स्लाइस को। तीन तरह के आपके पीने वाले पेय पदार्थ हैं। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक बार मैं लिख लेती हूँ, माजा फेंटा और, ठीक है, माजा किसको कर रहा है, ट्रायंगल को। ओके, और देख लेती हूँ, ये है आपका माजा, ठीक है, और सर्कल क्या है, फेंटा, और ये स्लाइस कौन सा है, ये, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी पर्सन हु टेक माजा एंड स्लाइस बट नॉट फेंटा। ये दोनों तो लेते हैं, फेंटा नहीं लेते हैं। फेंटा कौन सा है, सर्कल वाले में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये वाले पूरा आपका चला जाएगा, ये पार्ट खत्म है। अब बच्चा रहा क्या दोनों लेते हैं, दोनों ही लेते हैं, हु टेक, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ओके सॉरी, कौन सा नहीं लेना है, फेंटा नहीं लेना, यानी कि ये सर्कल वाला, ओके क्या हो जाएगा, तो कौन सा बच रहा है, ये लो बच रहा है ना 17, यानी ये दोनों जो है माजा और स्लाइस दोनों ले रहे हैं लेकिन फेंटा नहीं ले रहे हैं, तो ये आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, ए बी सी से रिलेटेड है। ओके, और इसमें पूछा जा रहा है हाउ मैनी पर्सन टेक स्लाइस, ठीक है, हाउ मैनी पर्सन टेक स्लाइस, स्लाइस कितने लेते हैं, इसको आपको ऐड करना है। ओके, चलिए ऐड कर दीजिए, कहाँ स्लाइस वाला कौन सा है, सिर्फ स्लाइस की बात की जा रही है यहाँ पर, जो है ये वाले पूरे आपको स्लाइस वाले पार्ट है, इसको आप ऐड कर दीजिए, 40 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 20 आ जाएगा 122। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। ओके, 22 नंबर में क्या पूछ रहे, ए बी सी से रिलेटेड है। इसमें हाउ मेनी पर्सन आर देयर हु टेक बोथ माजा एंड फेंटा नॉट स्लाइस, ठीक है। तो गाइस इसमें देखिए, तो आपका ये रेक्टेंगल वाला पार्ट है, तो ये रेक्टेंगल वाला गया, तो इसमें से कौन सा बच रहा है, ये 7, तो हो जाएगा आपका 7 नंबर, ठीक है, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में क्या है, ए पी आर एक्स जेड, ये सभी सिंगल रो में बैठे हुए हैं, ठीक है, कुछ पर्सनस हैं जो सिंगल रो में बैठे हुए हैं, एस जेड के, एस एंड जेड आर इन द सेंटर, ए एंड पी आर इन द एंड, आर इज सिटिंग इन द लेफ्ट ऑफ ए, हु इज द, तो आपको इसका जल्दी से बना लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए बैठा लेते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले ए एंड पी आर इंड है, ए और, ठीक है, ए एंड पी आर इन इंड में है, ओके, तो बैठा लेते हैं, ये हो गया ए एंड पी, मान लीजिए चाहे ए को यहाँ बैठा या पी को, या फिर इधर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब बीच में कौन बैठे हैं, एस और जेड, या एस और जेड हो या जेड और एस हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आर इज सेटिंग द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है, अब इसके लेफ्ट में, ठीक है, ये इधर देख रहा है, ठीक है, तो इसके लेफ्ट कौन सा हो, ये हुआ ना, तो यहाँ कौन बैठा है, यहाँ बैठा है आर, तो पी के बगल में कौन बैठा है, एक ही बचा है ना, एक्स, तो एक्स हो जाएगा, एक्स कौन सा है, बी नंबर पे, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 24 नंबर चलते हैं। 24 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, ये है एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन, कई बार आपके आरपीएफ में भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिया हुआ 3276, देयर एलसीएम दिया हुआ है, और इसका क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है ना, तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, अपॉन 63 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, एचसीएफ आपका वैल्यू आ जाएगा, फटाफट इसको डिवाइड, आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, तो पहले आप 3 से इसको काट लीजिए, 3 से काटेंगे नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 60, नीचे हो जाएगा आपका, हो जाएगा 21, और ऊपर बचेगा क्या, 1092। अब इसको फिर से 3 से 7 से काट दीजिए, तो 3 टाइम, और ये चला जाएगा कितने टाइम, हो जाएगा ये 156, इसको 3 से काटेंगे 52 आंसर आ जाएगा आपका, 52 आंसर, ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो गया, 52 नंबर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर, ये भी आपका मैथ से रिलेटेड है, इसमें नहीं, ये मैथ से नहीं है, ओके, रीजनिंग से आपसे, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से 4 युग में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, एक समान नहीं, वो बताना, हॉर्स, ठीक है, नाई, ठीक है, ऑल्स वुड, गोट ब्लीट एंड ब्लीज हीज, तो ठीक है, ये कौन सा है, बीज जो है हीज, ये आपका डिफरेंट है, ठीक है, ओके, तो आपका ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका सिलोलिज्म से है, सिलोलिज्म में क्या है, ऑल फोन्स आर क्या है, स्टोन है, ठीक है, बनाते हैं, ऑल फोन्स आर स्टोन, ठीक है, ओके, सम स्टोन आर रोप, सम स्टोन आर रोप, ऑल रोप आर विंडो, ऑल रोप आर विंडोज। अब देखते हैं कंक्लूजन, ठीक है, कि यहाँ पर क्या पहला स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या है, सम फोन आर विंडो, ओके, सम फोन आर विंडो,
ये देखिए सम, ये है फोन और ये विंडो, क्या ऐसा है कुछ दिख रहा है इन दोनों में रिलेशन? नहीं, तो ये तो हुआ आपका गलत। ओके, ये हो गया गलत। ओके, ये पहला तो हो गया गलत। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंक्लूजन। पॉलीगन की साइड होगी रेगुलर पॉलीगन यूज इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन। ये रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? 50 क्वेश्चन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो होता है सम होता है 40। तो देखिए पहले इसमें क्या बताया जा रहा कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल दिया है 108, तो 108 घटा देंगे इसमें से तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 72। तो अब इजीली आप रेगुलर पॉलीगन है, समबहुभुज है यानी कि, तो इसमें आप इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, ओके, कितने इसमें हो जाएंगे? अब इसको आप 360 से डिवाइड, 360 में 72 से डिवाइड करिए, चला जाएगा कितने टाइम? 5 टाइम, यानी कि इसमें 5 साइड्स होंगे। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर पे। 28 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? 28 नंबर में पूछा जा रहा है कि ऐसे वर्ग के विकर्ण की लंबाई, ठीक है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया 10 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी? चलिए इसमें क्या दिया जा रहा है, एक वर्ग है, वर्ग, ठीक है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ओके, और ये इसका विकर्ण, ठीक है, विकर्ण की लंबाई 10 दी हुई है, तो ये सारे ए होते हैं ना, पैथागोरस याद है ना, तो 2a² = 100 हो जाएगा, यानी a² = 50, यानी कि a = √50, तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू √50। ओके, कौन सा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये रीजनिंग से है, कोडिंग डिकोडिंग से है, देख लीजिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, देखते हैं क्या दिया जा रहा है इसको कोडिंग डिकोडिंग से। एच की तो देखिए यहाँ पर इसको और इसको, एच के बाद क्या था? आई, आई है, एक ई के बाद एफ, ए के बाद बी, यानी कि बढ़ते जा रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए एच के बाद आई, आई इसमें नहीं है तो ये कट गया, इन दोनों इसमें है, ए के बाद बी इन सभी में है, आर के बाद क्या आता है? आर एस आता है, तो एस आता है, ये कट गया, ठीक है, और इसके बाद भी के बाद क्या आता है? डब्ल्यू आता है, तो डब्ल्यू तो इसमें भी, इसमें भी है, फिर ए के बाद बी आता है, इसमें है, इसमें भी है, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आर के बाद एस आता है, इसमें एस नहीं है, तो यानी कि ये वाला सी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है 30 नंबर। ओके, इसमें क्या पूछा जा रहा है? बिल्क्विस एधी कौन है? ये कौन है? ये भारत में चाइल्ड लाइन, नहीं, ये एधी जो है संस्था है जो पाकिस्तान के संस्थापक है, ठीक है, बी नंबर इसका होगा, एधी संस्था है जो पाकिस्तान के संस्थापक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये आपका है 31 नंबर। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि देखिए ये आपका एवरेज का क्वेश्चन है, 6 छड़ों की जो लंबाई दी हुई है, लंबाई का माध्य यानी कि इसका क्या दिया हुआ है? एवरेज दिया हुआ 44.2, और 5 छड़ों का दिया हुआ है 46, तो इसके छठी छड़ की लंबाई ज्ञात करनी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका
लास्ट वाली छठवीं छड़ की जो है लंबाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 265.2, और इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा 230। अब इसको घटा दीजिए, ये आएगा 2, ये होगा फिर 5, यहाँ बीच में पॉइंट रहेगा, यहाँ और यहाँ हो जाएगा 35.2। 35.2 कौन सा बी हो जाएगा आपका आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 नंबर। 32 नंबर में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। ओके 32 में पूछा जा रहा है, ये भी आपका किससे है, सिलोलिज्म से है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, ऑल, ओके ऑल बेड्स आर पेन, ऑल बेड्स आर, ठीक है ऑल बेड्स आर, सॉरी यहाँ बनाती हूँ, ऑल बेड्स आर पेन है, ठीक है ओके, और सम बेड्स आर कॉट है, ओके ये हो गया कॉट। तो आपका कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन में क्या क्या है, कंक्लूजन में क्या है, पहला बोला रहा है कि ऑल, ओके ऑल पेन्स आर बेड, ठीक है क्या ऑल पेन्स आर बेड है, नहीं है, ये तो ये पहला गलत हो गया, ठीक है पहला आपका गलत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाला ये गलत हो गया। नेक्स्ट है सम कॉस्ट आर पेन, सम कॉस्ट आर पेन, ये तो आपका सही है, ओके सेकेंड वाला सही है। नेक्स्ट ऑल कॉस्ट आर पेन, ऑल कॉस्ट आर क्या पेन है, ऑल कॉस्ट जो है ये क्या पेन है, नहीं ना, तो ये भी गलत हो गया आपका, ओके। नेक्स्ट है सम कॉस्ट आर डेफिनेटली नॉट पेन, ठीक है ये तो हम कह नहीं सकते नॉन नेगेटिव में, तो ये हो गया भी गलत हो गया, सिर्फ दूसरा सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ओनली टू फॉलो, यानी कि सिक्स वाला सी वाला आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, ये भी आप, ये आपका मैथ से है, ओके तो चलिए इसको देखते हैं कैसे लगाना है। ओके चलिए